भदोही से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी समेत उनके परिवार के 6 लोगों पर एक महिला के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। इसके बाद जिले की राजनीति में हड़कंप मच जाता है। एसपी ने पूरी जांच एडिशनल एसपी को सौंप देते हैं। 15 दिन में जांच रिपोर्ट आएगी, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि विधायक रविंद्रनाथ त्रिपाठी ने इसे सियासी साजिश और फर्जी मामला बताया है। पीड़िता का कहना है कि पहले भाजपा विधायक का भतीजा संदीप तिवारी शादी का झांसा देकर उससे महीनों दुष्कर्म करता रहा और उसके बाद विधायक सहित उनके परिवार के अन्य लोग भी इसमें शामिल हो गए। पीड़िता का कहना है कि यहाँ के विधायक के भतीजे संदीप तिवारी ने उससे शादी का झांसा देकर 6 साल तक दुष्कर्म किया। जब मैंने शादी को लेकर दबाव डाला तो बहुत परेशान किया गया मुझे, और जब मना कर दिया तब मुझे ये फैसला लेना पड़ा कि मुझे अब सबको बताना पड़ेगा। महिला मुंबई की रहने वाली है। इसके मुताबिक वो ट्रेन में संदीप तिवारी से मिले। संदीप ने शादी की बात कहकर उसका शारीरिक शोषण किया। फिर विधायक सहित उनके दूसरे कारोबारियों ने भी उसके साथ शोषण किया। पीड़िता के मुताबिक साल 2011 में जब विधानसभा चुनाव चल रहा था, उसी वक्त संदीप उसे यहां लेकर आए और ग्लोरी होटल में रखा। वहां पीड़िता 1 महीने तक रही। उस दौरान रविंद्रनाथ त्रिपाठी, चंद्रभूषण त्रिपाठी, दीपक तिवारी, नीतीश तिवारी, प्रकाश तिवारी, ये सभी लोग उसके साथ शोषण करते रहे। इस मामले पर भाजपा विधायक रविंद्र त्रिपाठी का कहना है कि जिसने भी ये सही तथ्य सामने लाए हैं, वो भारत में ही नहीं उत्तर प्रदेश में तमाम एजेंसियां हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। कहीं भी अगर दोष सिद्ध होता है तो मैं और मेरा पूरा परिवार फांसी के तख्ते पर चढ़ जाएगा, यानी कि ये आरोप झूठा है। इस पर एसपी भदोही राम बदन सिंह का कहना है, इसमें विभिन्न घटना स्थलों का जिक्र है, मैंने इसकी जांच अपने एडिशनल एसपी को दे दी है और जांच में आएगा उसके हिसाब से अब कार्रवाई होगी। एसपी 9 न्यूज रूम से नाजमिन की रिपोर्ट।